की ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे हो जाती है और इसके कारण से पेशेंटों को क्या क्या तकलीफ होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजनरेटिव प्रॉब्लम है। डीजनरेशन का मतलब समय के साथ कोई भी चीज जिसकी लाइफ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है उसको डीजनरेशन कहते हैं। डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज यानी घुटने के अंदर क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि घुटने की स्ट्रक्चर कैसे बनी होती है। घुटने का जोड़ एक सिंपल जॉइंट होता है जिसमें फीमर के एंड पे और टीबिया के एंड पे कार्टिलेज की परत होती है। ऊपर की सतह पे पटेला होता है उसे भी कार्टिलेज की परत होती है और घुटने के अंदर दो बहुत ही स्मूथ कुशनदार स्ट्रक्चर होते हैं जिनको मेनिस्कस बोलते हैं और इंटरनल बैलेंसिंग के लिए लिगामेंट्स होते हैं जिनको ACL और PCL बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ये जो फीमर और टीबिया की जो कार्टिलेज होती है वो किसी भी कारण से रफ होने लग जाती है। कई बार जॉइंट के अंदर एक लुब्रिकेंट होता है साइनोमियम, उसकी कमी के कारण से भी हो सकता है, या एक पर्टिकुलर एज के बाद ये ऑटोमेटिकली रफ होने लग जाती है और परतें उतरने लग जाती है जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस किस एज में ज़्यादा होता है? यूजुअली एल्डरली एज में ज़्यादा होता है और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ती है इस कार्टिलेज की परत वीक होती जाती है और ये रफ होती जाती है। लेकिन जेनेटिक प्रिडिक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जेनेटिक इशू जिसमें जिनके पेरेंट्स को ज़्यादा होता है उनके बच्चों को भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। इसके अलावा जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली जैसे फ्लोराइटिक एरिया जो है, फ्लोराइड जोन है, उसमें ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, या आपके जैसे कोई स्पोर्ट्स इंजरी हुई हुई है और आपने टाइम पे उसको ट्रीट नहीं कराया तो भी कार्टिलेज डैमेज जल्दी हो जाती है।